बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपसे एक बहुत खूबसूरत और बड़ा शॉर्ट सा ट्यूटोरियल शेयर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे शोर बंद हो गया तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और फिर आपको पता है कि बच्चों की अपनी दुनिया होती है, उन्हें हम किसी भी चीज से रोक नहीं सकते। इसीलिए मैं सर से कहती हूँ कि सर अपना स्टूडियो बाहर बना। हाँ जी, ये देखे, ये है लेमन, ठीक है, और इसको हम पतला कर देंगे। और आप देखिए ये, आप जरा थोड़ा सा यहाँ पे लेमन येलो खोले दो ताकि पता चले कि सर आप भी कोई काम कर रहे हैं। ये देखे, ये ठीक है। कोशिश करें कि पेंटिंग को साइडों से आप वाइट ना तोड़े, ठीक है, ये ठीक है ना, यानी वाइट इज ऑलवेज वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा जी, आप आ गया, लग गया क्या लेमन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ये क्या है, येलो ऑकर। येलो ऑकर, अच्छा जी। सर आई हैव एन आइडिया। हाँ जी बोलो। मैं कुछ आपके जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मोस्ट आते हैं, वो इसमें ना बहुत सारे आए हुए हैं चैनल पे, बहुत सारे सवाल पूछती जाऊँ साथ साथ। अगर हम जो ये देखें, ये देखें की जगह अगर हम कुछ यू नो सॉरी एक्सप्लेन करते जाए तो इट विल बी बेटर। करे। सर मैं सबसे पहले फोन पकड़ूंगी, अनलॉक करूंगी और यूट्यूब ओपन करूंगी। और ये कोशिश करें आपके ये जो बच्चे हैं ना, इनकी आवाज साथ साथ जानी चाहिए ताकि बच्चों की एक अपनी दुनिया होती है, उन्हें हम रोक नहीं सकते। अच्छा, सबसे पहले कैनवस चैप्टर का सवाल है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सीसा। सीसा का अदर नेम है एडहेसिव। एडहेसिव का एक और नेम है, इसको कहते हैं लिफिंग ग्लू। लिफिंग ग्लू का जड़ा जो आम बड़ा कॉमन सा नाम है वो है जी गोल्डन लीफ लगाने के लिए केमिकल दे दे। ओके, आयशा फजल का सवाल है, सर कैन वी यूज वार्निश फॉर एक्रेलिक पेंटिंग्स इन प्लेस ऑफ लैकर। यस यू कैन, इफ यू आर नॉट यूजिंग मार्कर, प्रोबेबली मार्कर एंड लीफ इज मोस्ट डेंजरस मीडिया फॉर वार्निश, सो यू कांट यूज वार्निश ऑन गोल्डन लीफ एंड मार्कर। स्पेशली जब आपने मार्कर यूज किया ना इस पे पेंटिंग पे, तो उस पे आपने वार्निश नहीं यूज करनी क्योंकि वो सारा ब्लर हो जाएगा। आज भी एक बच्ची का मुझे व्हाट्सएप पे भी सवाल आया हुआ है, सर जी वो मेरी पेंटिंग जो है ना, मैंने नेम ऑफ अल्लाह की पेंटिंग बनाई थी, ब्लर हो गई, मैंने उस पे वार्निश लगा दी है एक्रेलिक पे। तो सर उसका, और उस पे अगला जो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वॉज दैट के सर क्या मैं इस पे वाइट पेंट करके दोबारा लिख दूं, दैट वॉज नॉट फेयर। जब उस बच्ची ने मुझे, बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरी कलमा ही नहीं गया मेरे को ना। सर ये रहे और वो रहे आपके ब्रशेस सर। अच्छा, तो वो बच्ची ने जब मुझे पूछा ना, तो मुझे वो ना अल्लाह आपका भला करे, इतनी छोटी बच्ची थी वो, लाइक बिल्कुल डिग्री की थी, तो वो मुझे कह रही थी कि सर मैं क्या मैं इस पर वाइट पेंट कर दूँ। मुझे उनकी मासूमियत पर बड़ा वो आया। खैर मैं रिप्लाई तो नहीं कर सका, लेकिन फॉर्चुनेटली इसी में वो आ गया ना क्वेश्चन आ गया। तो अब आप उस बच्ची को भी मैं कहूँगा कि वो इस पे, क्योंकि हालांकि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे किया हुआ था सवाल। ऑल राइट सर,
सर जो कैनवस है उसका नाम बता सकते हैं? कैनवस मीन कैनवस, कैनवस कैनवस का मतलब है मोटा कपड़ा, इटसेल्फ इसका नेम कैनवस ही है। कैनवस का मतलब, कैनवस दो तरह का होता है, एक हम जो जीन्स होती है ना जीन्स, ये इसको लोग समझते हैं कि ये कैनवस है, हालांकि इसमें फर्क क्या होता है, जो जीन्स होती है उसका स्टफ तिरछा होता है, तिरछा उसकी जो ग्रेन होते हैं ना वो तिरछे होते हैं, या इस तरह या इस तरह, और जो कैनवस होगा उसका या हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी, कैनवस की। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल राइट, बिंदे ताही का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटी। आई आल्सो वांट टू शो यू सम ऑफ माय वर्क, हाउ कैन आई डू दैट? यस डेफिनेटली डेफिनेटली। आप सर को इंस्टाग्राम पे, सर के फेसबुक पेज पे और सर के व्हाट्सएप नंबर पे, तीनों इस ऑप्शंस पे आप सर को परसू कर सकती है, उनसे क्लासेस की डिटेल ले सकती है, अपने आर्ट वर्क पे आप अगर ओपिनियन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो ना, और शेयर करें अपना काम, दिखाएं, हमें तो बहुत खुशी होगी। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह पिछले दिनों में जो लाहौर में ख़ास तौर से जो कुछ शोज़ हुए हैं, मेरी जो थी वर्कशॉप थी राबी, जो अलहमरा में 3-day कैलीग्राफी वर्कशॉप थी, माशाल्लाह ओवर 170 स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो और माशाल्लाह सियालकोट, गुजरांवाला और ये बाबू साबू एक्सचेंज इंटरचेंज, फिर चीचा वतनी, बहुत दूर दूर से बच्चे स्पेशली जो थे वो इस वर्कशॉप के लिए आए थे, और उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि सर हमने इनरोल होना है तो कैसे इनरोल हो, और ये सर्टिफिकेट भी थे इसमें बाकायदा ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, अलहमरा मैनेजमेंट की तरफ से। सर अतीका फारूकी कह रही हैं, इनका सवाल तो नहीं है लेकिन ये हमारा जो एक कॉमन सा इशू है उसका जवाब दे रही हैं कि आपसे बार बार सवाल पूछने वाले वो हैं जो सारी कहानी सुन के कहते हैं जुलेखा मर्द है या औरत। ये अच्छा सवाल है। जी सर, आप बार बार स्टूडेंट से एक ही चीज पूछते हैं ना, पूरी वीडियो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, वी डोंट नो। नहीं, लेकिन अतीका ने आंसर बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत अतीका, वेल डन। इसका मतलब है हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में भी आप इस तरह के प्यारे प्यारे जो हमारे लिए कमेंट्स हैं वो करते रहेंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि मोस्टली जो क्वेश्चन रेज होते हैं उनके आंसर ऑलरेडी हमारी वीडियोज में मौजूद हैं, ओवर 1500 वीडियोज हैं। मैंने मेरा नहीं ख्याल कैनवस मार्कर लीफिंग लिपिंग ग्लूड ऐसे वार्निश लेकर किस चीज पे वीडियो नहीं बनाई, अब तो मेरे टॉपिक भी खत्म हो रहे हैं तो फिर भी सवाल आते हैं, वही सवाल आते हैं जो पिछली वीडियोस में मौजूद होते हैं। तस्नीम सरफराज पूछी है, एक्रेलिक्स को थिन करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं पोरिंग मीडियम के लिए? आप मीडियम भी, एक स्पेशल मीडियम भी होता है इसका जो आप इसको थिन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको वाटर के साथ भी डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और आप वार्निश अगर एक्रेलिक पेंट किया है, मैं सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं, अगर आपकी पेंटिंग पे मार्कर नहीं है और लीफ नहीं है तो फिर ना उसको लैकर की ज़रूरत है और ना ही उसको वार्निश की ज़रूरत है, ठीक है जी सर जी। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मैं पढ़ रही हूँ। सर जो मार्कर आपने बताए हैं उनसे कैनवस पर लिख सकते हैं एक्रेलिक बैकग्राउंड्स पे? ये कौन से मार्कर? सर आप दो ही तरह के मार्कर बताते हैं, पेंट्स एंड परमानेंट मार्कर। हाँ, मार्कर चाहे पेंट मार्कर हो चाहे परमानेंट मार्कर हो, आप उससे लिख सकते हैं हर तरह से, लेकिन शर्त ये है कि आपके मार्कर परमानेंट हो, और अगर वो यदि वाटर बेस्ड होंगे तो फिर आप उस पर नहीं लिख सकते। और कलर्स के लिए हम अनकरीब रवि कुछ वो मेरे जानने वाले हैं वो मुझे कह रहे थे कि जो है ना आप हमारे साथ इस पे जो है ना इंस्टीट्यूट पे, तो होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून मेरी किसी इंस्टीट्यूट में मैं बाकायदा ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसमें फिर ये होगा कम अज़ कम जो लाहौर और लाहौर से नज़दीक के जो हमारे स्टूडेंट हैं ना उनको फिज़िकल क्लासेस और डिप्लोमा क्लासेस जो हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं ना उनकी सहूलत इंशाल्लाह इन फ्यूचर अवेलेबल होगी। और ये है कि जो मेरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऐसे थे जो कहते थे कि सर हमने फिज़िकल क्लासेस दे दिए,
तो मैंने भी कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरी मसरूफियत इस तरह की है, तो मेरे जानने वाले ही हैं, उनसे बात चल रही है। होपफुली इंशाल्लाह जल्द या बदेर इंशाल्लाह मैं जब यूएस से वापस आऊँगा तो या यूएस से पहले ही मैं इसको इंशाल्लाह जो है ना वो करूँगा, इंस्टीट्यूट जो है ना वो ज्वाइन करूँगा। अब देखें कि बात चल रही है, क्या होता है, किससे होती है बात, कैसी होती है, ये सब मेरे लिए आप दुआ भी करें हम सब के लिए, ताकि हम मैं आपके लिए हमारे मेरे मेरे जो मेरी जो बेटी हैं राबी और बेटे अब्दुल राफे, हम सब के लिए आप दुआ भी करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो कर सकें, डिलीवर कर सकें, और आप उससे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तफादा भी हासिल करें। ऑल राइट, असद रियाज का सवाल है, सर आप ब्लू बर्ड और मैरिज का कंपैरिजन रिव्यू दीजिएगा पेज पर अगर हो सके तो। ब्लू बर्ड जो है देखिए कलर तो बहुत अच्छे हैं ब्लू बर्ड के भी, इंतहाई अच्छे हैं, मगर जहाँ तक बात है कि मैरिज इज़ अ ब्रांड, मैरिज की जो क्वालिटी है वो अपनी जगह पे स्टैंड आउट करती है। रेंज चूंकि अफोर्डेबल, बेटा बेटा रेंज की बात कर रहे हैं, फाइनल रेंज की भी बात कर रहे हैं और रिव्यूज भी मांग रहे हैं। आई थिंक जहां तक मैंने गोल्डन सिल्वर और वाइट यूज किया है वो वाकई ही ब्लूबर्ड के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं कंपेयर टू बी मैरिज, मैरिज के शेड्स भी। आई एम सॉरी मैं आपको ना इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा भी ख्याल वो ज्यादा कॉस्टली है, क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस है इसके ना मैरिज में और जो ब्लू बर्ड में है ना, वाइट इनका बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा। सर गोल्डन सिल्वर भी, गोल्डन सिल्वर भी बहुत ज्यादा जो जार में आ रहे हैं ना वो बड़े अच्छे हैं, बस इनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ कुछ अदर कलर्स जो इनके हैं उनका है, तो बाकी क्वालिटी का जहाँ तक बिहार की बात है ये तो बहुत कम्पीट करते हैं मेरे इसको। आर्ट एंड क्राफ्ट का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। सर आपका लाहौर में स्टूडियो कहाँ है, मैं आपके ज़ेरे साया कैलीग्राफीज बनाना चाहती हूँ। बेटी मेरा स्टूडियो तो बड़ा गुमनाम सा है, अभी मैं इंशाल्लाह अनकरीब, मैं अभी यही बात कर रहे थे कि मैं जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन कर रहा हूँ, तो फिर आप ज़रूर आइए मेरे पास इंशाल्लाह, सब स्टूडेंट जो लाहौर या मज़ाफात के रहने वाले हैं गिरदोनुमा के लाहौर के नज़दीक के, मेरे ज़रा उर्दू थोड़ी सी इसलिए भी मुश्किल होती है कि मैं पुराने ज़माने का जो है ना पढ़ा हुआ हूँ ना, तो मेरी ज़रा उर्दू ज़्यादा अच्छी है इंग्लिश की बनिस्बत, ठीक है। तो आजकल के बच्चे सिदरा सलामत, अस्सलाम वालेकुम, वो भी पूछ रही हैं कि सरकार इंस्टीट्यूट लाहौर में किस जगह है। जी होपफुली कि हम बॉर्डर टाउन में होंगे राबी बेटा, इंशाल्लाह मॉडल टाउन के ही किसी इंस्टीट्यूट में होंगे, हमारे नियर बाय हमें वही सूटेबल रहता है जी। तो सर इसीलिए सर की कोशिश यही है कि किसी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन किया जाए। हाँ जी बिल्कुल हो ना, तो इंशाल्लाह मॉडल टाउन में ही होगा बेटा हमारा जो है इंस्टीट्यूट, हमारा तो नहीं होगा वो, या जो भी होगा वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना खास फजलो करम करेंगे, अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छा करने की। अच्छा इस तरफ मैंने ना वो खाली वही यहाँ रुफे ताजी है नेमो फल्ला राइट साइड पे, ठीक है जी सर। सर मार्कर को काटना भी सिखाएं, अल्लाह रहम करे। सर ने अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में और इसके अलावा सर ने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें सर ने परमानेंट मार्कर्स को काटना अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, पेंट मार्कर्स को काटना, मार्कर को ब्राउन करना, ये सब सिखाया हुआ है। सर की प्लेलिस्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आर्ट मटेरियल, आप उसको चेक करें, उसको व्यू करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेटा पेंसिल कहाँ है, पेंसिल उधर देखी कोई है? मिसेज अब्बास का सवाल है, प्लीज़ ये बता दें कि सीसा और क्रेलिक कहाँ से मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बताया है कि डिस्क्रिप्शन में आर्ट सप्लायर का नंबर है, आप लाहौर से पाकिस्तान से जिस एरिया से भी हैं जिस सिटी से भी हैं आप उनसे रब्ता करके ऑनलाइन मटेरियल मंगवा सकते हैं। सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? जी सर का व्हाट्सएप नंबर सर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।
राती इसमें एक चीज़ और भी है, मैं अगर व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, खास तौर से जो है ना, यूट्यूब पे मेरा आंसर इसलिए बहुत कम होते हैं कि मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, मैं रिप्लाई नहीं करता। मैं देखता ज़रूर हूँ कमर्स के स्टूडेंट्स के, देखता ज़रूर सर। हूँ। अब से हम ऐसे किया करेंगे कि क्लास से हटके एक वीडियो बनाया करेंगे वीकली, और उसमें हम ट्यूटोरियल के साथ साथ 8, 10, 15 सवाल जो रीजनेबल होंगे, यानी जिनका जवाब देना ज़रूरी होगा, वो बार बार रिपीट में नहीं होंगे, कुछ उसमें एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा, कुछ न्यू क्रिएटिव पूछा होगा, तो उसका जवाब हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। रवि, इसमें मेरे पास एक और ऑप्शन भी थी कि वीक में एक दफ़ा हम YouTube लाइव सेशन करके ना, तो क्वेश्चन आंसर कर लें, एक 30-40 मिनट का एक सेशन हो, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कर लें, चाहे वो लाइव हो चाहे जो हमारे पास टेक्स्ट आए हुए होते हैं वो। तो क्या ख्याल है आपका? सर मेरा तो ख्याल नहीं, मैंने तो व्यू नहीं करना, सवाल तो स्टूडेंट्स के हैं, हाँ, तो स्टूडेंट्स मेरा से ख्याल है पूछ एक एक आध जो है ना, इसकी वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करके देखते हैं ना कि क्या रिजल्ट रहता है। सुपर वेन्स का सवाल है, सर कैन यू प्लीज इन्फॉर्म विच इंक यू यूज फॉर कैलीग्राफी विद कलम? कैलीग्राफी, प्राइमर ड्राइंग इंक और कैली ड्राइंग इंक, यानी कैली नॉट ड्राइंग, कैली के साथ सिंपल कैली इंक आता है, CALLI, और प्राइमर ड्राइंग इंक, ठीक है? ये दो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है आराम से और बड़ी कॉमन अवेलेबल है। सर इन्हीं का दूसरा सवाल है, कैन आई यूज कलम विद एक्रेलिक कलर्स? आई कैन आई यूज कलर विद एक्रेलिक कलर? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है? जी सर, ऑल राइट। जी सर मैं पढ़ रही हूँ, मैं एक एक वीडियो चेक कर रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट से हम ऐसा किया करेंगे कि जो वीडियो हमने, जैसे ये वीडियो है, जो इसके कमेंट्स में सवाल हुआ करेंगे, इसके कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू दिस आर्ट, आपका आर्ट मटेरियल से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड जो भी सवाल होगा, हम वो ही उसी वीडियो का जवाब दिया करेंगे, चाहे 2 सवाल हों या 10 सवाल हों। हाँ, और इसके अलावा भी आप स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि वीक में एक दफ़ा अगर हम लाइव सेशन रखते हैं तो वो उसमें क्या ये सही है, क्योंकि वो फिर हमें एक एक सवाल का जवाब देने के लिए, और दूसरा मेरा टाइपिंग इशू बहुत है ना दादी, मुझसे ना इस उम्र में ABC बाय बाय हो जाती है ना, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे भी कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ना, मैं उन्हें यही कहता हूँ मुझे आप वॉइस कॉल कर ले बेटा, क्योंकि मेरी टाइपिंग का इशू है, तो मैं वो फिर बड़ा मेरे लिए मसला होता है, फिर मैं नहीं देता जवाब जो मुझे कहता है दीजिए आप मुझे वॉइस मैसेज में भेज दें, एक वॉइस मैसेज में आप भेज रहे हैं, फिर अगला दूसरा वॉइस मैसेज, तीसरा, बेहतर होता है 1-1.5 मिनट की कॉल होती है, आप वो कॉल कर लीजिए, जो भी सवाल हो जवाब है आप उसमें पूछ लें, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? सर वो मैं अभी तक तो आउटस्टैंडिंग वीडियो माशाल्लाह ये सब भी पढ़ रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अच्छा सर, देख रही हूँ कि कोई सवाल ऐसा हो। अच्छा अच्छा ये ना आपने कोशिश यही करें कि ये वीडियो जो है ना, ये एडिट ना करें आप, ठीक है? मैं बस कोशिश करूँगा कि बड़ी शॉर्ट वीडियो हो, मैं राइट बल्कि सर, अपना हाथ तो रुकने नहीं दिया इसमें मैंने, फिर भी आप इसमें। सामिया उबैद पूछ रही हैं, हाउ कैन आई टेक योर क्लास? सामिया को बताइए कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से जो है ना वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जी, जो भी स्टूडेंट सर की क्लासेस लेना चाहे वो डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, आप उस नंबर पे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर किचन आर्ट विद निकी पूछ रही हैं। अच्छा, ये हमारे बड़े पुराने व्यूअर हैं, किचन आर्ट विद डिकीज, ये जी मैंने इनकी बहुत से जो है ना कमर्स देखे, थैंक यू दिकी। मुझसे टर्क्विज एंड पर्पल कलर नहीं बनता। अच्छा, पर्पल बनाने के लिए रबी आप पैथलो ब्लू में थोड़ा सा पिंक डाल लें, राइट? ओके, और कौन सा नहीं बनता? टर्क्विज, टर्क्विज ग्रीन, ब्लू फ्रोजी ब्लू,
और साथ हल्का अगर आपने डार्क रखना है तो फिर इन दोनों को मिक्स कर लें, अगर आपने इनको यानी लाइट रखना है तो फिर इसके साथ आप वाइट हल्का सा इसमें यूज़ करें। और थर्ड चीज़ ये है कि अगर आपको एंटीक कलर रिक्वायर्ड है, बड़ा एंटीक सा ना ग्रीनिश वो रस्ट कलर जो होता है ना, रस्ट ग्रीन, तो फिर आप ओकर में फिरोजी डालें। ओकर जो होता है ना, ओकर राबी आपको पता है ना, जी जी सर, उसमें आप फिरोजी बनाएंगे तो बड़ा प्यारा बन जाएगा। आप हो सकता है इसमें आपको करके भी दिखाएं थोड़ा सा इंशाल्लाह। सर महक पूछ रही हैं क्या गोल्डन और सिल्वर को हम हर कलर स्कीम के साथ यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये बिल्कुल, इसको बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं किसी भी कलर के साथ। सर पिंक रोज कैसे बनेगा? पिंक रोज नेचुरल कलर होता है, लेकिन फिर भी आप अगर पर्पल में वाइट डालें तो आपका पिंकिश, और जब आप उसमें थोड़ा हल्का सा क्रिम्सन रेड डालेंगे तो फिर आप और नज़दीक चले जाएंगे किसके, पिंक के, रोज बेटर के। सर अनिका पूछ रही हैं सर कलर की ताकत करने से क्या मुराद, कलर की ताकत खत्म करने से क्या मुराद? बेटा ताकत खत्म करने से मुराद ये है कि कोई भी कलर जब आपको बहुत ज़्यादा फ्लैश दिख रहा है, आई कैचिंग दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ ताकत क्या खत्म कर रहा है। अच्छा सवाल है, बड़े मौके पे आया ये। जी सर। अगर यहीं से डायरेक्ट मैं यहाँ लगा दूंगा ना तो ये ताकतवर कलर होगा कि एज यू कैन सी हेयर ये बड़ा विजिबल है, वाइब्रेंट लग रहा है ना। अब मैंने क्या किया, पतला सा येलो, उससे डार्क येलो, फिर ये येलो ऑकर, फिर ग्रीन, सॉरी ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड, फिर ब्लैक, ये भी ग्रेजुअली स्प्रेड कर दिया मैंने। इट मीन्स के कलर की ताकत तोड़। आप जब कलर को उसको यदि एक लेयर में चलाएंगे, या अगर आप ताकत इस तरह नहीं तोड़ सकना चाहते, आप इस पे चाहते हैं आप ब्लैक डायरेक्ट इस्तेमाल करना, आप ब्लैक में वाइट डाल के यहाँ पे शुरू करेंगे, ये भी इसका ताकत तोड़ना दूसरा जो है। ऑल राइट सर, एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है सर। यू नो पब्लिसिटी करनी है मैंने इसे। अच्छा पब्लिसिटी करनी है सर। अच्छा सर किसी ने पूछा है राबी आपका चैनल भी है? एब्सोल्युटली यस, मेरा चैनल भी है और वो सर के चैनल के साथ ही अटैच्ड है। अच्छा अच्छा, और मैं अपने चैनल की पब्लिसिटी कर रही हूँ जी, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये इंग्लिश कोई दुरुस्त ना करे प्लीज, ये पब्लिसिटी ही होता है ये। अच्छा, ये हमारे एक जानने वाले थे, वो पब्लिसिटी को कहते थे पब्लिसिटी, और माशाल्लाह राबिया ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट ही है, और इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ये दानिस्ता तौर पे पब्लिक सिटी और आटोटाइज, यानी एडवर्टाइज को आटोटाइज, और ये हमारे एक जानने वाले थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, मेरे दोस्त थे, वो कहते थे कि आटोटाइज थे पब्लिक सिटी, और अल्लाह बस वो बड़े प्यारे अल्लाह के बंदे थे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है जी। कि आप ऑटोटाइज नहीं रहेगी? नहीं सर, वो सर स्टूडेंट्स जब तक मैं नेक्स्ट सवाल नहीं पूछी, जल्दी से जाके मेरा चैनल सर्च करके सब्सक्राइब कर ले। ना करो, अब कोई गुलाम है सर आपको थोड़ी बोल रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। नहीं नहीं स्टूडेंट्स प्लीज करें, आप मेरा चैनल विजिट करें, आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइब करना है कि नहीं। अब कोई गुलाम है, ये तो होगा। अच्छा अच्छा, कर ले भी, कर ले आप, नाराज कर ले जी, कर ले आप, कर ले ना, करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लेकिन मैं तो नहीं करूंगा, मैं नहीं सर आपको ही कह रही हूँ ना करें, ये तो होगा, व्यूअर्स तो करेंगे सर, अभी कर भी लिया होगा। अच्छा वाह जी वाह, लो जी ये मशहूरी हो रही अपने चैनल दी। नहीं सर ऑनेस्टली मैं सवाल ढूंढ रही हूँ, वो तारीफें ही हुई हुई है, वाह सर ग्रेट सर आउटस्टैंडिंग सर, वाह वाह, मेरा चैनल विजिट करें इंशाल्लाह, वहां मेरी भी तारीफ करें। अल्लाह हू अकबर, वाह जी वाह, तो जी अच्छा यार ये ऑल राइट। किसी ने पूछा है कि ब्रश को हार्ड करने के लिए जो आप ब्रश की टिप पे डालते हैं वो क्या है? वो एल्फी है, वो दैट इज अबाउट एक एक स्टिकिंग बाउंड होता है, उसको आप ब्रश के बिल्कुल बॉटम एज जो होता है ना यहाँ पे आप डाल दें, वो एकदम से ब्रश को हार्ड कर देगा। और इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है मैंने जी, और मैंने ये हमने बहुत बनाई है, सवाल फिर वही है
कि ये क्यों है और ये क्यों है, ठीक है। और आपकी कंट्री में आपको किसी ना किसी नाम से वो मिल जाएगी। ये एक्चुअली ऐसी चीज है, एक ऐसा ये देखिए मैं बता देता हूँ, एलिमेंट है कि ये बिल्कुल जब हम इसको बॉटल से बाहर निकालते हैं एक ड्रॉप भी, तो ये बहुत क्विक ड्राई हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ आते ही ये ड्राई हो जाता है। हाँ हाँ, ये रवि आपने अच्छा बताया, लेकिन ये मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ नामों से होगा। पाकिस्तान में इसका नाम जो है वो है एल्फी, एल्फी और 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 बस एल्फी, एल्फी ही, ठीक है। अच्छा, मोर बेटर देन एल्फी इन पाकिस्तान, क्योंकि वो जो ग्लू है या स्मर बॉन्ड है उन सबके डिफरेंट यूजेस हैं। अच्छा रवि, अब इधर आ जाओ आप, ये देखो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ में अच्छा मार्कर है मेरे पास, कौन सा जी सर मार्कर, कौन सा है, ब्राउन, ब्राउन। इसकी वीडियो भी सर ने अपने चैनल पे शेयर की हुई। अच्छा, ये मैंने इतने आसान आपको कर दिया है ना ये सब, कि आपको इसका कोई इशू होना नहीं चाहिए। आर्ट तो अब माशाल्लाह से जब से मेरा चैनल आया है हमने आर्ट को बहुत आसान कर दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। Where you buy these golden silver leaves? Golden silver leaves जिनसे हम खरीदते हैं, ये जो आर्ट सप्लायर हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इनको अप्लाई करने के लिए, इनको पेस्ट करने के लिए सर सीसा एडहेसिव लीफिंग ग्लू, बोलूं मैं, बोले 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 बोलूं, बोले सर, फातिमा बोलने नहीं दे रही, कोई बात नहीं, इसको अप्लाई करने के लिए सर को इजाजत है, ये बस सीसा एडहेसिव या लीफिंग ग्लू इन तीन नाम से ये मार्केट में मिल जाता है। और लोकल, इसके बारे में मैंने बहुत दफा कहा है कि लोकल यूज करना है, कोई ब्रांड नहीं यूज करना, कोई भी ब्रांड अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा जो लोकल एडहेसिव के जो है मुकाबले में आ सके। हाँ जी, आप दोबारा सवाल कीजिए सर। दिलशाद का सवाल है कि प्लीज सर, सीसा समझ नहीं आया कि आपने कैनवस पे कैसे किया, आपने सीसा से ही कैनवस पे लिखा और फिर लीफ लगाए, या पहले लिख के उस पे सीसा लगाया और लीफ लगाए, ये पॉइंट क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं, पहले तो हम लिखेंगे सीसा के साथ, फिर वो लीफ लगाएंगे तो फिर उस जगह पे वो स्टिक होगा ना। एक्चुअली लीफ को किसी भी चीज के साथ जुड़ने के लिए, किसी भी चीज पर पेस्ट होने के लिए नीचे ऐसा स्टिकी सरफेस चाहिए जिस पे वो जुड़ सके, ठीक है, उसी सरफेस पे वो जुड़ेगा। तो उसके लिए नीचे हम जो चीज लगाते हैं वो एडहेसिव है, यानी सीसा लीफिंग ग्लू। उसको पेस्ट करने के लिए बेसिकली लीफ एक थोड़ा सा हार्ड टाइप सी चीज होती है, जरा सी माइनर सी, उसको पेस्ट करने के लिए हमें नीचे कुछ ना कुछ ऐसा अप्लाई करना पड़ता है जिसके ऊपर वो पेस्ट हो जाए। और अगर हम रैंडम पेस्ट करेंगे तो वो फिर हमारी जो भी रिक्वायर्ड चीज होगी या जिस तरह की भी शेप फॉर्म होगी उस पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। सर, गोल्ड लीफ या सिल्वर लीफ पर कलम से लिखाई करनी हो तो कौन सी, हरगिज़ नहीं, या मार्कर या ब्रश। वुडन कलम से आप कैनवस पे काम ना ही करें तो बेहतर है। नहीं, कर लें कैनवस पे, वुडन कलम से कर लें। लम यलिद वलम युलद वलम वलम यकुल लहु, कर लें, लेकिन लीफ पे ना करें लाबी, वलम यकुल लहु। सर, सीसा के अलावा और क्या चीज है जिससे गोल्ड लीफ अच्छे अटैच हो जाएंगे? वार्निश, अनेवल पेंट, ऑयल पेंट जो होता है दरवाजों खिड़कियों वाला,
और उसके अलावा आप एक्रेलिक केमिकल जो होता है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सर क्या हम जर्मन वाइट ग्लू यूज़ कर सकते हैं जर्मन वाइट ग्लू के लिए? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। वो क्विक ड्राई होता है, आप अप्लाई करते जाएंगे वो ड्राई होता जाएगा, उसमें आपको 2-3 कोट अप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम वेरी थैंकफुल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी चले, आप मेरा ख्याल है कि और तो कोई सवाल नहीं है, है ना? अब ये इसका एक फाइनल व्यू, पेंटिंग का साइज़ था हमारा 24x24, ठीक है जी। अब आप ज़रा ये देखिए सर, ब्लैक कलर में पानी कितना मिक्स करना चाहिए वो भी बता दें। ब्लैक काफ़ी डिम हो जाता है और ब्लैक की शाइन कम हो जाती है। अच्छा, वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैलीग्राफी आपकी जो पेंटिंग है उसकी सरफेस ग्लॉसी है, थोड़ी सी रबिंग है या थोड़ी सी मैट है। तो और सेकेंडली, अगर आप पूरी सरफेस ब्लैक रख रहे हैं ना कैनवस की, तो आप उसके बाद उसके ऊपर एक एक्रेलिक अप्लाई कर ले, वो बेहतर रहता है, उसकी शाइन दोबारा वापस आ जाती है, हो जाता है ब्लैक कलर डिम। मैंने रिसेंटली एक पेंटिंग बनाई थी इसलिए मुझे अच्छे से याद है, तो मैंने भी उसकी शाइन को दोबारा से वापस लाने के लिए, वो डस्टी सा लगने लगता है, डिम हो जाता है, तो मैंने उसको साफ करके उसके ऊपर से डस्ट हटा के, क्योंकि वो डस्टी भी हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसके ऊपर मैंने एक्रेलिक अप्लाई कर दिया था एक कोट। अच्छा जी, चले राबी सर, आपका स्टूडियो कहाँ है काइंडली बता दें? सर का स्टूडियो लाहौर में है, और इंशाल्लाह सर एक ऐसा स्टूडियो भी किसी के साथ सर कांटेक्ट में है, कुछ ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ और कुछ अपने कलीग्स के साथ जिनके साथ मिल सर जिनके साथ नहीं वो ना मुझे करेंगे शायद, वो ना मेरी जो चाहते हैं कि सर उनके इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करें एज अ कैलीग्राफी टीचर बेसिकली, तो इंशाल्लाह होपफुली हम आपको जल्दी बता देंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट होंगे या कौन सा होगा जहाँ पे सर आपको इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस के लिए अवेलेबल होंगे। वेल स्टूडेंट्स, आपका कैलीग्राफी पेंटिंग से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड कोई भी सवाल हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जब सर कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे तो उसके जवाब इंशाल्लाह सर आपको ज़रूर देंगे। जी राबी, जो है ना क्वेश्चन आंसर वो बड़ा ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट रहें और उनको आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सर के स्टूडेंट जब भी सर से बात करते हैं तो वो सबसे पहले इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं कि सर आप हमारी बात सुनते भी हैं, हमें रिस्पांस भी करते हैं, हमारी कॉल्स भी पिक करते हैं, मैसेजेस का भी रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, 30-30 पेंटिंग्स एक टाइम पर शेयर करके उन पर रिव्यूज मांगते हैं, ऐसा ना किया करें। प्रोसेस वर्क जो भी हो, एक आध पेंटिंग, दो पेंटिंग वो शेयर किया करें और उस पर रिव्यूज लिया करें, एक एक चीज करके स्लोली बट श्योरली आपको इंशाल्लाह सर रिस्पांस देते रहेंगे, अपने रिव्यूज देते रहेंगे, वट एवर आप सर के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। आप मेरे यूट्यूब के तो स्टूडेंट हैं ना भाई, ये नहीं हो सकता। आप जो मेरा यूट्यूब पे मेरा व्यूअर है वो मेरा स्टूडेंट है। आप बिल्कुल वर्मली आए, आप बिल्कुल आए और आके जो क्वेश्चन हो बेशक डिस्क्रिप्शन इसमें मेरे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं कभी रापी रिप्लाई करता हूँ सर, और व्हाट्सएप पे ही करते हैं, व्हाट्सएप पे भी या यूट्यूब पे। अब हम इंशाल्लाह ये सेशन शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह,
तो होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह ताला हम जो है ना ये एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें हम लाइव सेशन में आपके सवालों जवाब, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि अपनी लाइफ जर्नी जो है ना वो शेयर करें। इंशाल्लाह लाइव जर्नी शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लाइव बैठे हो। फिर बहुत से ऐसे सवालों जवाब आ रहे होते हैं जिनका जो होता है ना सर, जवाब देने का मजा ही लाइव में आता है। जी 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 क्योंकि जी बहुत बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपके सडन आपके जहन में आते हैं सर की एक बात सुन के, तो जी फिर वो बेहतर रहेगा कि इंशाल्लाह हम किसी दिन लाइव प्लान करें और आप सबके साथ शेयर करें और हम इंशाल्लाह सर की लाइव शेयर। नहीं सर की बड़ी ट्रेजिक और बड़ी यू नो एक इमोशनल सी और बड़ी हार्डवर्किंग जर्नी रही है सर ने अपनी इस फील्ड में आने के लिए, और इस फील्ड में सर का जो आज नाम है उसके लिए सर की एक वाकई ही पीछे एक बहुत टफ सर की रूटीन रही है इस काम में, तो इंशाल्लाह सर वो आपके साथ शेयर करेंगे और उन स्टूडेंट्स के साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे जो बिल्कुल शुरू करते हैं और 2-3 दिन बाद समझते हैं कि वो प्रोफेशनल लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे। तो सर को तो माशाल्लाह 42 ईयर्स हो गए हैं ना। और एक और बात ये है ना राबी, अगर आप एफर्ट छोड़ देते हैं ना उसका एक मतलब है कि इंसान मर चुका है यानी डूब गया है। जो डूब जाता है वो एफर्ट छोड़ देता है, वो फिर तैरने लग जाता है क्योंकि वो अलाइव नहीं होता। इसलिए जिंदा रहते हुए हमारा जो सबसे अहम काम है वो ये है कि हम एफर्टलेस ना हो, ठीक है जी। ये बस एक छोटा सा सबक और एक छोटा सा आपके लिए जो था ना वो था आज का एक ट्यूटोरियल भी था जी। और ट्यूटोरियल के साथ साथ जनाब आपने ये भी जहन में रखना है कि हम ना होपलेस हो, क्योंकि मुसलमान मोमिन जो है वो ना उम्मीद तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि ये पेंटिंग टाइम लैप्स से नहीं बनी, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही शेयर करूंगी, इसलिए आप इसको देखिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो आर्ट मटेरियल आर्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे हमारी एक और वीडियो आएगी, नेक्स्ट फ्राइडे सॉरी, तो हम उसमें आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह देंगे। ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।